तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, आज मेरे पास आ चुका है iPhone 12। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने हो, मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ iPhone 12 का। मैं बहुत दिनों से ये वीडियो छोड़ने वाला था, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने से वजह से इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया। लेकिन मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आ चुका हूँ, और वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है और कितना प्राइस में मैं लिया है, वो सब कुछ आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ इस iPhone 12 का अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका अनबॉक्स तो पहले से ही हो गया, इसका सील पैक वगैरह कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले से ही इसको खोल के देख लिया था इसके अंदर क्या कुछ है, फ़ोन बॉक्स के अंदर है कि नहीं, और सब कुछ मैं देख लिया था और इसको ओपन भी कर लिया था उस डिलीवरी बॉय के सामने ही। मैं इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ और इसका लगभग इसका प्राइस मिला है 48,000 में ही मिल गया है। और ये फ़ोन मैं फ्लिपकार्ट में जो बिग बिलियन डे सेल चल रहा था मैं उसी टाइम परचेस किया था, लेकिन इतना दिन से मैं वीडियो छोड़ नहीं पाया। मेरा शूट हो चुका था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब था, मैं पहले ही बोल दिया हूँ आप सबको, इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया। लेकिन अब भी आपके सामने मैं इस वीडियो को लेके आ चुका हूँ और रेगुलर वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, और देखते रहिए ठीक है। तो अभी इसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और दिखाऊंगा इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। आप लोग इसका बॉक्स देखोगे तो बहुत ही साइन बॉक्स है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे ये एप्पल का बॉक्स है, बहुत ही छोटा पतला ही होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका बॉक्स, और इसको आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन में जो मैनुअल होता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ़ोन है, 64 GB रैम ही है, और यहाँ पर आप सब देखोगे तो यहाँ पर मेरा रेड कलर का भी फ़ोन है और 64 GB रैम है। और ऑफ़र के बिना आप सब इस फ़ोन का प्राइस देखोगे तो लगभग 80,000 का आसपास है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑफ़र में लिया हूँ इसलिए मेरा 48,000 में ही मिल गया है, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है ठीक है। मैं यहाँ पे धीरे धीरे ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। भाई देखो आप सब कितना साइन मार रहे हैं, भाई क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ क्या पता नहीं क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। मैं इसको पहले से ही ओपन कर लिया था इसलिए मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको जितना बार इसको ओपन करता हूँ ना मेरा फीलिंग्स इतना हाई हो जाता है। भाई इसका जो बैक का लुकिंग है ना, इसका क्या बोले, बहुत ही ग्लॉसी लुक है। इसका जो ग्लास है बहुत ही ग्लेज मारते हैं, और इसका जो फ़ोन का ही स्लिम वगैरह सब कुछ, इसका वेट वगैरह बहुत ही कम है। इसका 166 ग्राम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसके ही आसपास होगा देखा था। लेकिन इसका आप यहाँ पे केबल देखो तो यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा ढक्कन वगैरह था, थोड़ा सा सील पैक था, मैं इसको हटा दिया था पहले से ही। और इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ फ़ोन के साथ इस USB टाइप सी लाइटनिंग केबल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। और थोड़ा बहुत है कि इसका जो बुक वगैरह है, या मैं आप सबको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक केस देखने को मिलेगा, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक पिन है जो सिम स्लाइड को खोलने के लिए, और यहाँ पर एक वारंटी कार्ड की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है। और इसके साथ आपको यहाँ पर एक मैनुअल बुक देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो और आपका फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, और इसको देखने के लिए आपको एक चश्मा खरीदना पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक प्रोडक्ट रेड का एक कार्ड दिया हुआ है, मेरा फ़ोन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का, इसलिए इसको दिया हुआ है। और इसके साथ आपको एक स्टिकर देखने को मिलेगा जो एप्पल का स्टिकर है, आप इसको आपका सर में भी लगा सकते हो, आपका फ़ोन में भी लगा सकते हो, जिधर भी चाहे लोगों को दिखा सकते हो ना आपका फ़ोन है नहीं। तो ये आप कर सकते हो। तो अभी ये सब साइड में रख के आप लोगों को पहले फ़ोन को दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है सब कुछ आप सबको दिखा दूंगा ठीक है। तो पहले आप सबको पीछे की तरफ देखो तो यहाँ पे दो कैमरा दिखाई देगा, दोनों ही 12 MP करके, लेकिन ये दोनों में से एक अल्ट्रा वाइड है और एक वाइड कैमरा। तो आप लोग तो ये जानते होंगे ये बहुत ही पावरफुल है, और एक फ्लैश दिया हुआ है और एक छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है, और पीछे की तरफ इस एप्पल का लोगो है, आप लोग तो हर एक फ़ोन में रहता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रेट लिखा हुआ है। और फ़ोन का लेफ्ट साइड देखो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है, दो बटन दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ एक सेंसर दिया हुआ है, और नीचे की तरफ देखो तो आप लोगों को यहाँ पे सिम ट्रे का एक स्लॉट देखने को मिलेगा। और फ़ोन का राइट साइड देखो तो आप लोगों को यहाँ पे एक पावर बटन देखने को मिलेगा जो फ़ोन को ऑन ऑफ करने के लिए, और ऊपर की तरफ देखो तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे दोनों की तरफ एक स्टीरियो स्पीकर और माइक्रोफोन है। आप लोग तो जानते ही होंगे माइक्रोफोन रहता ही है। और इस फोन का जो सिम ट्रे होता है, मैं इसको निकल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कुछ इस तरह सिम ट्रे देखने को मिलेगा, एक ही सिम नहीं तो एक मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं इसको लगा देता हूँ,
तो अभी मैं इस फ़ोन को ओपन कर लिया हूँ, तो इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कितना अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको ओपन कर लिया और इसका जो लुकिंग है आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कितना अच्छा तरीके से इसका ग्लॉसी लुक देखने को मिल रहा है। और इस फोन में आप सबको बहुत ही अच्छा 6.1 इंच का सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा होता है। और इसका जो प्रोटेक्शन है ना, आप लोग यहाँ पे इसको गिरा भी दो इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं कर पाओगे, तो यही इसका खासियत है। और इसका कैमरा की तरफ जाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आप सबको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो इस फ़ोन का थोड़ा बहुत मैं कैमरा का शूट लिया हूँ जो बहुत ही अच्छा इसका कैमरा। आप लोग तो जानते होंगे एप्पल का 2 मेगापिक्सल हो या फिर जो भी हो, इसका कैमरा का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। मैं इसका जो वीडियो है मैं आप सबको नहीं दिखा पाया हूँ। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये भी 12 मेगापिक्सल का ही है और इसका मैं कैमरा नहीं दिखा पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसका जो वीडियो क्वालिटी होता है ना गजब का होता है। इसका स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, GoPro की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका वीडियो क्वालिटी, आप लोग भी ट्राई कर लेना जब लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में ले लेना, क्योंकि मेरा भी ये फ़ोन नहीं है, मैं बाद में लूँगा। ठीक है, मेरा दोस्त का ही फ़ोन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा फ़ोन है, लेकिन ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा दोस्त का फ़ोन है। मैं उसके पास से लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी हो वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसका सेटिंग्स वगैरह देख लो, बाकी सब कुछ सेम है जो एप्पल की तरह ही दिखता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी पहली बार देख रहे हो तो देख लो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का है इसका सेटिंग्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, इसका जो रिफ्रेश रेट है 60Hz रिफ्रेश रेट है, लेकिन इसका जो टच सेंसिटिविटी है बहुत ही अच्छा है, 120Hz रिफ्रेश रेट की तरह ही इसका काम करता है। जब भी यहाँ पे टच करते हो बहुत ही अच्छा काम करता है। और आप लोग यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको जो भी ऐप्स इसको ओपन करो, आपको यहाँ पे एप्पल का जो अकाउंट है इसको ओपन करना होगा, बहुत अच्छा सिक्योरिटी की तरह है। और एक बात दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे थे कि इतना कम रेट में ये फ़ोन दे रहा है तो फ्रॉड होगा, स्कैम करेगा फ्लिपकार्ट, लेकिन मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल एक रियल फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ये फ़ोन ले सकते हो जब नेक्स्ट सेल आएगा, अभी दिवाली का सीजन है, कुछ दिन बाद नेक्स्ट सेल आ जाएगा तो आप लोग उस फ़ोन को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उस टाइम भी ये वाला ही रेट चलेगा। लेकिन अब जब भी ये फ़ोन लो तो फ्लिपकार्ट से ही लो या फिर apple.com से लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो आप जब भी लोगे वो आप वीडियो करके ही ओपन करना, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट से लो या फिर amazon से लो वहाँ पर भी फ्रॉड होता है। तो आप लोग जब भी कोई भी फ़ोन लो आप वीडियो करके ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बहुत GB का फ़ोन है आप लोगों का, 64GB या फिर 120GB, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो करके ओपन करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।